बड़ौत विधानसभा क्षेत्र में हूँ। जिस दिन से इस विधानसभा क्षेत्र का गठन हुआ तब से अब तक दो बार विधानसभा चुनाव हुए हैं। सबसे पहले 2012 में तब बीएसपी के विधायक यहाँ से जीते थे, उसके बाद 2017 में बीजेपी ने सीट जीती। अब 2022 के चुनाव आने वाले हैं, सरगर्मियां तेज हो गई है, लेकिन जनता क्या सोचती है, किसको वोट देगी, किसको फिर से सत्ता पर लाएगी, ये सवाल जनता बता पाएगी। इसलिए हम जनता से पूछेंगे कि 2022 के लिए उनकी क्या तैयारी है, किसको वो वोट देना चाहती है और वर्तमान सरकार को लेकर उनका क्या मन है। क्या नाम है आपका? मेरा सर आर्यन है। आर्यन जी, 2022 के चुनाव को लेकर कैसे सोचते हैं आप? सर कट्टर लोकदल ओनली जैन। क्यों? बीजेपी भी तो बहुत अच्छा काम कर रही है पिछले। सर हम युवा लोग हैं, युवा लोग को अटेंड करते हैं। अच्छा, आरएलडी को देखिए। हाँ सर बिल्कुल कट्टर, सर बिल्कुल कट्टर, ये तो कट्टर आरएलडी के लोग हैं। आपका क्या 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 कहना है भाई? 2022 के चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारी है, क्या कहेंगे? जब वोट का वो होगा कहेंगे जी पता लगेगा। आप सरकार के काम को लेकर कितने खुश हैं? ठीक है सरकार का रोड वोड बढ़िया बना दी। अच्छा खुश है। कुछ और लोग भी, आप तो भगवाई बहने हुए हैं, क्या कहेंगे? बीजेपी बीजेपी काम कैसे किया? बहुत अच्छा। अच्छा किया काम, बहुत अच्छा। सर जी हमें चाहते थे सरकार बदल जाए, सबकी इच्छा यही है कि बड़ी बहुत परेशान हो गए सर जी। क्यों, क्या परेशानी है सर जी? रोजगार खत्म हो गया है, एक साल हो गया, एक साल कोरोना की वजह से है ना। क्या कमी है सर? कोरोना है जरूर है, लेकिन इतना नहीं है इतना ये लोगों ने बता रहे हैं, इतना नहीं है। है जरूर है, मैंने निकल रहा है कोरोना, पर इतना नहीं है, इतना अफवाह मचा दिया। तो सरकार को लेकर क्या कहेंगे? सरकार हम चाहते हैं सर जी, गरीब आदमी है पटने वाले, कि सरकार बदल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा सरकार, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनू है जी। जी 2022 में चुनाव है तो क्या सरकार को वही आनी चाहिए जो अच्छी है? कौन सी अच्छी है? ये वाली तो अच्छी नहीं है, दूसरी आ गई तो अच्छा रहेगा। कौन सी सरकार है जो अच्छी होगी? वो समाजवादी ठीक थी, उसने अच्छा काम किया, वो आनी चाहिए उसके बाद। उसने क्या अच्छा किया? अब तो रोड बहुत अच्छा किया, गरीबों के लिए बहुत रोजगार मिला। अब तो सब जो रोजगार था वो सब खत्म हो गया। अच्छा आपका नाम क्या है? मोहम्मद रियान। रियान भाई क्या कहेंगे सरकार को लेकर, क्या मन है आपका? समाजवादी पार्टी। क्यों? अच्छा है, गरीबों की मदद करती है, गरीबों की साथ खड़ी रहती है, गरीबों को कभी परेशानी नहीं हुई इस चीज़ में। कभी समाजवादी पार्टी में जब समाजवादी पार्टी थी, कभी गरीब काम को कहाँ कर रही है योगी। अच्छा योगी, ये क्या काम पसंद है आपको? सारे काम पसंद है। अच्छा हाँ जी, क्या नाम है आपका? सुल्तान। 2022 में चुनाव है तो क्या सोचते हैं आप, किसकी सरकार बेहतर है, कौन सी आनी चाहिए? जी सरकार अगले से आगे की आनी चाहिए सर। अच्छा जी, बीजेपी की यहाँ से विधायक है, उनको लेकर क्या सोच है आपकी? उनको लेकर तो ज्यादा वो हिसाब किताब खराब कर रखा उन्होंने, ज्यादा माहौल गंदा का इस चीज पे, जिस जो उनका दिल कर रहा वो कर रहे, इस टाइम अपनी मनमोजी पूरी कर रहे हैं। क्या क्या काम है? जैसे कि मतलब कौन सा काम है मनमर्जी का? उनका मनमर्जी काम किस चीज पे वो कर लेते हैं। अब जैसे अखिलेश की सरकार थी जिस टाइम पे, इतना वो नहीं था, जब दिल कर रहे लॉकडाउन लगा दे दो दिन का तीन दिन का, उससे पहले तो था ही नहीं ऐसा सिस्टम। तो उस समय कोरोना भी तो नहीं था? उस समय कोरोना भी तो नहीं था ना, अब कोरोना भी तो अब भी तो नहीं है ना इतना जितना बना रखा है। क्या नाम है आपका? हंसराज गुप्ता। गुप्ता जी 2022 के चुनाव को लेकर क्या कहना आपको? हाँ योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, योगी जी को लाना चाहिए। अच्छा हाँ, बीजेपी की सरकार से खुश है? बढ़िया है। क्या काम अच्छा लगा आपको? अरे अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, अब थोड़ा डिस्टर्ब सा होगा मामला, अगर वो तो पब्लिक के हिसाब से थोड़ा डिस्टर्ब सा होगा ना, सही रहेगा काम। 2022 में चुनाव है तो आपको क्या सोचना है? किस बारे में, मतलब चुनाव के बारे में? क्या चुनाव को लेकर नहीं, जो अभी तक इस बारे में कुछ तय नहीं करा, क्योंकि जो सरकार अब है इसने तो इसको देने का मन है नहीं फिलहाल, लेकिन किसे देने का मन है ये भी कोई तय नहीं हुआ। देखिए आपके समय क्या हो सकता है, अभी तक कुछ नहीं, समय देखते हैं। वर्तमान सरकार ने स्थिति कर दी हमारी, रोजगार खत्म कर दिए, पड़े अपना बताओ क्या टाइम है, साथ पे चल दो अपना, घर में बच्चे भी हैं, बीवी भी है, आ रही है, बीमार रही है, सोन जा रहे हैं, बताओ क्या क्या करेंगे, क्या नहीं मालूम। योगी जी को नहीं देंगे बा भाई, कुछ नहीं कह सकते। नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे, योगी सरकार भाजपा को देंगे, भाजपा को देंगे। हाँ जी सरकार में तो मिल रहे थे तो इसलिए पूछे सरकार से। हाँ मुझे मर गई सरकार ने तो क्या दिक्कत आई है? क्या दिक्कत है? रिश्तेदार मर गए, हर जाने वाला मेरा आता ही। हाँ
देखो आजकल के जो लड़के हैं उन्हें तो सरकार पसंद है, जो हमारी उम्र के मैं पसंद ना आए क्यों, महंगाई इतनी ज्यादा है और नहीं मानता पूरे पटने भारी हो रही कितनी भी हो की मानते कि नहीं मानता है? आज लोग सब बात भी नहीं करेंगे नहीं बात तो लेकिन बात नहीं करेंगे किसान नहीं है किसान तो करेंगे तो कुछ नहीं कहता मैं और मैं दो तारा मोदी देने का नहीं मानता भैया ये हमारी आज तक मुश्किल है दर्द कुछ हाँ नहीं ठीक ही है बढ़िया है कोई ऐसी तो बात है नहीं ठीक है कोई बात नहीं है वोट देंगे वोट बिल्कुल देंगे वोट देंगे भाजपा की चाहे आओ चाहे ना आओ 2022 में लोकदल लिखेंगे और कुछ नहीं लिखना मोदी जी डाल चले जाएंगे तो घरे के सिरते सींग वजह क्या है वजह इस तरह की कहते थोड़े तो मोर युवा कहाँ है आज भीख मांगने का मजबूर है युवा पढ़े लिखे भीख मांगने को तैयार है मेरे भाई इस बार तो तंदी देख लो क्या कहेंगे या मतलब बढ़िया सरकार लगे मजा आ रहा है और बढ़िया हाँ और बेहतरीन है मजा आ रहा जीवन का बिल्कुल पता नहीं क्या करा पर मजा आ रहा जीवन का 2000 में योगी की सरकार आई अच्छे थे योगी सरकार क्यों क्या पूरे काम बढ़िया करा योगी ने कई हजारों आदमियों की जान बचाई कहाँ पर गोरखपुर छल जाल गए दौड़े पर गए सारी आया 2022 में योगी सरकार आई थी अटके यहाँ पे अच्छा काम किया हाँ जी बहुत अच्छा काम किया योगी ने अटके फिर सरकार योगी की आएगी अटके फिर 2022 के विधानसभा चुनाव के लेकर क्या कहना है आपका मैं ये कह रहा है कि मोदी ही आना चाहिए सारे काम बढ़िया कर रखे इसने योगी कर रखा क्या 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 है सारे की सारी रोड भी बना रखी सारी सड़क भी रोड हमारी भी बनवा दी सारे बढ़िया काम कर दिए कि गलत नहीं कर दी अच्छा खुश हैं खुश हैं बिल्कुल बीजेपी सरकार आप रहने वाले विरोध में आती है हाँ क्या नाम आपका मेरा नाम मनोज कुमार है मनोज हाँ जी मनोज जी 2022 में चुनाव होने वाले हैं कैसे देखते हैं कि वर्तमान सरकार ठीक है कि बदलाव होगा सरकार में बदलाव होने बिल्कुल अच्छा सरकारी बीजेपी की है ऐसे हाँ जी बीजेपी की सरकार पसंद है बिल्कुल पसंद है सरकारी इसलिए पसंद है बिल्कुल साथ दे रही है अच्छी तरह साथ दे रही है इसलिए पसंद है क्या क्या साथ दिया भाई जैसे लॉकडाउन में हर तरह की मदद करी है बिल्कुल अनाज भी दिया है राशन भी दिया है सब बड़े आज मदद कर रही है और क्या चाहिए हमें मुझे बिल्कुल यही मदद चाहिए सरकार के कामकाज से खुश है हाँ तो दोस्तों ये थे वो लोग जो तमाम तरीके से अपनी बात रख रहे थे और बता रहे थे कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल से वो खुश हैं तो क्यों हैं नाराज हैं तो क्यों हैं तो ये थे बागपत के विरोध विधानसभा क्षेत्र के जागरूक नागरिक जो अपने अपने पक्ष को रख रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह के उनके वोटिंग पैटर्न्स रहने वाले हैं 2022 के चुनाव में बागपत से कैमरा सोगी राजू भारद्वाज के साथ मनोज शर्मा सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।